हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा स्थगित, 1 जून को समीक्षा के बाद लिया जाएगा निर्णय। विद्यार्थियों को 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। 4 मई से होनी थी परीक्षा। CBSE और ICSE के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग JAC ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित कर दी है। JAC की तरफ से सभी स्कूल कॉलेज को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। JAC की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। 1 जून को परीक्षा संबंधित बैठक की जाएगी, उसमें परीक्षा की नई तिथि से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। परीक्षा की नई तिथि से 15 दिन पहले विद्यार्थियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। JAC सचिव महिप कुमार सिंह ने बताया है कि फिलहाल किसी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मधुपुर में उपचुनाव, कोविड गाइडलाइन के साथ हुई वोटिंग 5 बजे तक 76.61% हुआ मतदान। 6 प्रत्याशियों की किस्मत EBM में हुई कैद। मधुपुर उपचुनाव को लेकर शनिवार को मतदान संपन्न हो गया है। 487 बूथों पर कोविड गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए वोटिंग कराई गई। 5 बजे तक 76.61% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों की किस्मत EBM में कैद हो गई है। इसमें भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों को छोड़ शेष निर्दलीय हैं। अब 2 मई को नतीजे आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में राजभवन तक पहुंचा कोरोना। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई कोरोना संक्रमित, मेडिकल में कराया गया है एडमिट, फिलहाल कोई परेशानी नहीं। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई है, उन्हें मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है, एहतियातन के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को CM के आवास कार्यालय के 5 अफसर कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का ऐलान, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट पहुंचाएगी सरकार। CM हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मेडिकल किट में जो है आवश्यक दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर व मास्क आदि सभी जो है उपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। CM ने कहा है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। CM ने जो है स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता अनुसार अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए राज्य के वैसे प्रशिक्षित युवक युवतियों जिन्होंने पैरा मेडिकल कोर्स किया है उन्हें सविता के आधार पर नियुक्त करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिना मास्क के पकड़े जाने पर ₹500 देना होगा जुर्माना। रेलवे ने स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होगी, ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। अब नई व्यवस्था के तहत सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी बगैर मास्क पकड़े गए तो ₹500 जुर्माना चुकाना होगा। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज शर्मा ने इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे समेत सभी रेल जोन को आदेश पत्र जारी कर दिया है। रेलवे की व्यवस्था अगले 6 महीने तक यह प्रभावी रहेगी। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर इधर उधर थूकने पर भी ₹500 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची में कोरोना की रोकथाम के लिए 500 अतिरिक्त बल की होगी तैनाती। सीनियर सिटीजन समेत अन्य लोग ऐसे करेंगे सहायता। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने पुलिस मुख्यालय की भी चिंता बढ़ा दी है। रांची में कोरोना के गाइडलाइन का पालन कराने व मास्क चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए पूर्व से तैनात पुलिस कर्मियों के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं। अभियान के तहत पुलिस बल का काम सीनियर सिटीजन को दवा समेत अन्य जरूरत के सामान को भी पहुंचाना होगा। वहीं अस्पताल में भर्ती होने में परेशानी होने पर पुलिस उनकी सहायता करेंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव 3.25 साल बाद रिहा। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी। पता और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे। चारा घोटाले में सजा काट रहे RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद 1-2 दिनों में छूट जाएंगे। लालू को 3.25 साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू जो है 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे। वही जो है कोर्ट ने लालू के सामने 2 शर्त रखी है। पहली शर्त यह है कि जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। वही वे अपना मोबाइल नंबर और पता नहीं बदल सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,34,000 नए केस। पहली बार एक दिन में 1,341 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है।
तीसरे दिन लगातार 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। यही नहीं, महामारी शुरू होने से लेकर अब तक पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही जो है 1,341 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि जो है 1,23,000 जो है 354 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित विधायक इंद्रजीत महतो की तबियत बिगड़ी, एयरलिफ्ट कर भेजे गए हैदराबाद। झारखंड में सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्रजीत महतो की तबियत बिगड़ने के बाद शनिवार को उन्हें एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाया गया है। धनबाद के जो है एशियन जलान अस्पताल में भर्ती सिंदरी के भाजपा विधायक महतो को सड़क के रास्ते एम्बुलेंस से बोकारो लाया गया और वहां से एयरलिफ्ट कर हैदराबाद ले जाया गया है। उल्लेखनीय है कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान महतो की तबियत खराब हुई थी और कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बीच नई परेशानी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद रांची के सिविल सर्जन अस्पताल में भर्ती, मेडिका में चल रहा है इलाज। एक तरफ जहां रांची में कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है, संक्रमित के साथ मरने वाले की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी बीच जो है रांची की स्वास्थ्य व्यवस्था का मोर्चा संभाल रहे रांची के सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद की तबियत बिगड़ गई है। अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रांची के मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उन्हें हार्ट में परेशानी की बात कही जा रही है। हालांकि मेडिका के प्रो आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि वे फिलहाल ठीक है, उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना खतरे के बीच लालू आवास पर होली, कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के चेहरे पर लगाया गुलाल, बांटी मिठाइयां, उत्सव में लगाए नारे। रजात अध्यक्ष लालू प्रसाद को जमानत मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब की खुशी देखने को मिल रही है। जमानत खबर मिलते ही पटना में उनके समर्थक के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो है अबीर और मिठाई लेकर रबड़ी आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिलती है तब तक वे होली नहीं खेलेंगे। अब जब लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है तब कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर होली खेली है। उन्होंने लालू प्रसाद के समर्थक में खूब नारे लगाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू रिमांड होम से फिर भागा आरोपी, दीवार फांदकर रिमांड होम से भाग निकला नाबालिग, 5 दिन पहले भी 4 हुए थे फरार। पलामू में रिमांड होम से नाबालिग के फरार होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 5 दिन पहले रिमांड होम और बाल सुधार गृह से 4 नाबालिग फरार होने के बाद शनिवार को एक बार फिर से जो है एक नाबालिग दीवार फांदकर रिमांड होम से भाग निकला है। भागने वाले नाबालिग की उम्र 17 वर्ष है, वह चंदवा का रहने वाला है। दुष्कर्म के मामले में उसे रिमांड होम में रखा गया था। देर रात 2:30 बजे छत से नीचे पेड़ के सहारे उतर कर भाग निकला है। सीसीटीवी कैमरे में उसके भागने का मामला कैद हुआ है। इस तरह नाबालिग के भागने से जो है रिमांड होम की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हुए, बोले अब मेरे पास आप लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा समय रहेगा। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने यह जानकारी शेयर की है। सोनू ने लिखा है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, उल्टा मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा आप लोग की मुश्किलों को ठीक करने के लिए। याद रहे कि कोई भी तकलीफ में हमेशा आपके लिए साथ हूं। सोनू ने पिछले साल लगे लॉकडाउन में लोगों की काफी मदद की थी। अभी भी वो अपने जो है सामाजिक संस्था के जरिए देश भर में अलग अलग तरह से लोगों की मदद करते हैं। इसके चलते जो है उनकी फैन फॉलोइंग काफी तेजी से बढ़ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में पुलिस की कार्रवाई, 17 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार, उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था शहर, आरोपी 5 बार पूर्व भी जा चुका है जेल। गोलमोरी पुलिस ने 17 किलो गांजा के साथ गोलमोरी के न्यू केबल टाउन में रहने वाले विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की कीमत 1.5 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। आरोपी के पास से एक इनोवा कार भी जब्त किया गया है। कार में एक्स आर्मी लिखा है। थाना में पूछताछ के बाद शनिवार को पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। गांजा बेचने के मामले में विनय कुमार सिंह पूर्व भी 5 बार जेल जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर निस्संब हत्याकांड का पर्दाफाश, पाताल लोक वेब सीरीज देख टाटा स्टील के कर्मचारी ने पत्नी 2 बेटियों की हथौड़े मारकर की हत्या, शोर मचाने पर ट्यूशन टीचर की हत्या कर शव के साथ किया दुष्कर्म। 12 अप्रैल को कदमा तिस्ता रोड में पत्नी 2 बेटी और ट्यूशन शिक्षिका की हत्या करने के आरोपी टाटा स्टील के कर्मचारी दीपक को पुलिस ने शनिवार को जेल भेज दिया है। इसके पूर्व जो है बिष्टुपुर थाना में SSP डॉक्टर एम तमिल वनन ने पूरे मामले की जानकारी दी है। दीपक को जो है पुलिस ने शुक्रवार को धनबाद के HDFC बैंक से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दीपक ने बताया कि वेब सीरीज देख उसने अपने परिवार रोशन और जो उसकी पत्नी और जो रोशन के मामा प्रभु की हत्या की योजना बनाई थी, जबकि शिक्षिका द्वारा उसकी पत्नी और बेटी की लाश देखने के बाद शोर मचाने के कारण उसकी हत्या की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव में कोरोना रैली, अगले 8 दिन में मोदी 6, अमित शाह 10 और ममता की 17 रैली। देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है, रोज 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, जनता डरी हुई है। सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क पहनने की नसीहत तो दे रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर खुद ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। अकेले पश्चिम बंगाल में अगले 8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6, गृहमंत्री अमित शाह 10 और ममता बनर्जी 17 रैलियां करेंगे। 5 राज्यों में अब केवल पश्चिम बंगाल ही बचा है जहां 3 चरणों का चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है रैलियां कर रही हैं, इन रैलियों में लाखों की भीड़ आती है और 90% लोग बगैर मास्क के होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जिक्र तक ही नहीं होता है। यहां जो है पिछले 24 घंटे में 6,910 नए केस मिले हैं, यह राज्य में जो है एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बावजूद जो है रैलियों में लापरवाही की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दवाइयों की किल्लत पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि दवाइयों का कृत्रिम अभाव किया गया है, दवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी। राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाइयां डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, फेविपिराविर उपलब्ध नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि आम लोगों को जरूरी दवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 3,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन बचे जाने की खबर पर नाराजगी जाहिर की है और कहा कि ड्रग्स कंट्रोल और जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। शनिवार को कोरोना से निपटने के जो है इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर अभिरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मौखिक रूप से ये बातें कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी अखाड़े ने प्रशासन को दिया आश्वासन, इस बार रांची में नहीं निकलेगी रामनवमी जुलूस। कोरोना से शहर को उबारने के लिए सदस्य प्रशासन के साथ करेंगे काम। जिला प्रशासन के साथ रांची के रामनवमी अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक शनिवार को हुई। इसमें रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू में लाने पर चर्चा हुई है। प्रतिनिधियों ने कहा है कि इस बार पहले ही सर्वसहमति बनी है कि जो है कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस दौरान डीसी छवि रंजन ने कहा है कि यह वक्त सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, महामारी के प्रकोप से रांची को उबारना है। उन्होंने अपील की है कि धार्मिक कार्यों में लगाए जाने वाली ऊर्जा का जो है सदुपयोग मानव कल्याण में लगाएं। अखाड़े के प्रतिनिधियों ने मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट और जो है ऑक्सीमीटर, मोक्ष वाहन आदि की जो है व्यवस्था करने तथा समय समय पर जो है वेंटिलेटर की तैनाती करने का भी आश्वासन दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।